गाइस आयरन मैन की बात आए और उसके आर्मर की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन मैन ने हर सिचुएशन के लिए एक अलग आर्मर क्रिएट कर रखा है। चाहे हल्क बस्टर हो, थॉर बस्टर हो, आयरन डिस्ट्रॉयर आर्मर हो या उरू मेटल वाला आर्मर हो, और इन्हीं आयरन मैन के आर्मर में से एक नाम गैलेक्टस बस्टर आर्मर भी है। Are you Tony Stank? Stay down. Final warning. I can do this all day. तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाने की आयरन मैन को जरूरत क्यों पड़ी। तो फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 48 में हमें पहली बार दिखा गैलेक्टस, वो यूनिवर्स में बिग बैंग इवेंट से पहले ही एग्जिस्ट करता था। गैलेक्टस के पास द पावर कॉस्मिक नाम की एक कॉस्मिक एनर्जी है, जिसके हेल्प से वो किसी भी तरह की एनर्जी को ड्रेन कर सकता है, और वो एनर्जी का भूखा रहता है, और फिर चाहे वो उसे प्लेनेट की एनर्जी मिले चाहे कॉस्मोस की, गैलेक्टस हर जगह की एनर्जी को ग्रेन करके उसे तबाह कर देता है। और स्टैनली के अकॉर्डिंग गैलेक्टस मार्वल स्टूडियोज का सबसे पावरफुल विलेन है। और अब चलते हैं गैलेक्टस बस्टर आर्मर पर। तो गैलेक्टस बस्टर ना हमें एनिमेटेड स्टोरीज में दिखाया गया ना कॉमिक में, बल्कि ये हमें दिखाया गया एक वीडियो गेम में, जो था मार्वल वर्सेस कैपकॉम 3 फेट ऑफ द टू वर्ल्ड्स, जहाँ टोनी ने गैलेक्टस बस्टर आर्मर के नाम का एक सूट बनाया। और इस यूनिवर्स को मार्वल ने अर्थ 30847 का नाम दिया, क्योंकि इससे पहले हुई गैलेक्टस के साथ टोनी स्टार्क की फाइट को टोनी स्टार्क को ये पता चल गया कि गैलेक्टस को नॉर्मल सूट या बस्टर से नहीं हराया जा सकता। तो टोनी स्टार्क के पास जो पिछली फाइट का डेटा या फिर कहे स्टैटिक्स कलेक्ट था, उसे कलेक्ट करके टोनी ने प्रोग्रेसिवली एक न्यू आर्मर बनाया, जिसको उसने नाम दिया द गैलेक्टस बस्टर आर्मर, जिसकी झलक हमें एंड में दिखी थी। और ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसमें डॉक्टर डूम, रेसिडेंट एविल, फेम, विस्कर अपने वर्ल्ड को यूनाइटेड करके एक नया वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन गैलेक्टस को ये बात पसंद नहीं आती है और वो इस नई दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है। और गेम का एंड बॉस भी गैलेक्टस ही है, तो जो भी इस गेम को खेलता है उसे लास्ट में गैलेक्टस को रोकना होता है। और इसी के बाद एक कॉमिक आई आर्मर वॉर्स, जो की बेस्ड थी आयरन मैन की आर्मर्स पर, और उसके कवर पेज पर एक आर्मर दिखता है जो कि गैलेक्टस बस्टर जैसा लग रहा था। और कॉमिक्स आने के बाद ये पता चला कि वो गैलेक्टस ही था, लेकिन आयरन मैन के आर्मर में था। तो बेसिकली गैलेक्टस बस्टर आर्मर मार्वल वर्सेस कैपकॉम 3 द फेट ऑफ टू वर्ल्ड्स में ही देखने को मिला, लेकिन अब इस सूट की पावर क्या क्या है इसे कभी भी रिवील नहीं किया गया। लेकिन डिजाइन कर ये लग रहा है कि इसमें यूनिवर्सल ब्लास्टर और यूनिबीम ब्लास्टर जरूर होंगे, और ये काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसमें गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी को हार्म किया जा सके। और बाकी आयरन मैन आर्मर्स के जैसे AI सपोर्ट तो होगा ही, लेकिन शुरुआत में जब ये गेम आया था तो रूमर्स कुछ ये भी थे कि इस आर्मर के अंदर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी फिट हैं। लेकिन अगर ये आर्मर गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी को हार्म कर देता है, तो इसमें एक डिवाइस और होना चाहिए, और वो है द अल्टीमेट नलीफायर। क्योंकि मार्वल स्टूडियोज में अल्टीमेट नलीफायर को यूज करके गैलेक्टस को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टोनी के जबरदस्त आर्मर के बारे में कभी भी कुछ रिवील नहीं किया गया। और जितनी भी चीजें अभी आई हैं वो सब कुछ मैंने आपको है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।